हेलो गाइस, और एक न्यू वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। और आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाली होने वाली है। तो आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि किस टॉपिक के ऊपर है, कि एक मतलब हेल्दी पेरेंट रखने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है और क्या क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आज की इस वीडियो में यही सब बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप लोग एंड तक वीडियो को वॉच करें, ताकि इस वीडियो में मैं जो भी चीज़ बताऊँ आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती हो तो प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियोस को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, और वीडियो के लास्ट में कमेंट भी कर दे कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। जैसी भी लगी हो आप लोग कमेंट कर दे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि यदि शेयर कीजिएगा आप लोग तो आगे भी पेरेंट्स ओनर के पास ये वीडियोस पहुंचेगी और वो भी अपने पेरेंट्स का अच्छी तरह से केयर कर सकेंगे। और चलिए तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बिना देर के हुए ही। तो ये है चंपा का फूल, और मैं इसे दे रहा था अपने टेरेस पे, तो ये ले नहीं रहा था बिकॉज बहुत सारे मेरे यहाँ पर पौधे लगाए हैं, इनके लिए भी लगाए हैं। पाइनएप्पल का भी पौधा आप लोगों को दिख रहा होगा, वो भी मैंने लगाया है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट होता है, मतलब वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप सबको एक मैं चीज़ बताता हूँ, ये पार्ट टू आने वाला है। पार्ट वन में मैं क्लियरली सब चीज़ बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, क्योंकि एक चीज़ छोटा मोटा चीज़ नहीं है सो बता दूँ, और वो आप लोग करके अपने बेड्स को हेल्दी रख सकते हो। बहुत बड़ा बड़ा चीज़ है जिससे रखने के लिए, मतलब जिसको बताने के लिए लॉन्ग वीडियो चाहिए। तो मैं आप लोग लॉन्ग वीडियो तो देखना पसंद करते हो ना, इसी में दो पार्ट में ये डिवाइड कर दिया हूँ। तो ये फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट भी आ जाएगा। तो जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो हो गया खाना पीना लेके। तो देखिए, हम लोग जब अपने बर्ड्स जब कोई सभी लाते हैं तो उनका सबसे पहले बात हो जाता है खाने पीने का। तो आप लोग जिस तरह का उसका खाना दोगे वो उस तरह का रहेगा। आप लोग हेल्दी फूड दोगे तो वो हेल्दी रहेगा, आप उसको अनहेल्दी फूड दोगे तो वो अनहेल्दी रहेगा। हेल्दी फूड में बहुत सारे आते हैं जिसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई है, तो आप लोग उन सब वीडियोज़ को जाके देख सकते हो और वो सब आप अपने पेरेंट्स को दे सकते हो। अनहेल्दी फूड भी मैंने बहुत सारा वीडियोज़ बनाया, अनहेल्दी फूड आप लोगों को नहीं देना है, क्योंकि अनहेल्दी फूड में तो बहुत सारे आदमी देते हैं, जैसे चॉकलेट हो गया, मटन हो गया, चिकन हो गया, अगर वगैरह जो भी, ये सब आप लोगों को नहीं देना है। तो जैसे कि मैंने बताया, आप लोग वीडियो जाके देख सकते हो, पहला ये हो गया। सेकंड ये हो गया कि आप लोगों को कभी भी अपने पेरेंट्स को डिप्रेशन में नहीं लाना है। डिप्रेशन में लाइएगा तो कभी भी हेल्दी नहीं रहेगा, बाद में वो मर जाता है आगे जाके, क्योंकि डिप्रेशन कोई भी मतलब सहन नहीं कर सकता। और ये तो बेचारे छोटे से मतलब जीव होते हैं और छोटे से इनमें जान होती है, तो ये डिप्रेशन कहाँ से सहेंगे। एक छोटा सा केज में घुसा के और टांग दिया और कोई मतलब नहीं, इसको सालों साल जिंदगी भर उसको टांग दिया, तो फिर वो सब हम लोगों को नहीं करना है। इसको प्रॉपर जो वाइल्ड में इसको चीज मिलता है वो चीज हम लोगों को, इन लोगों को देना है। पूरी दिन भर हम लोगों को इन लोगों को खुला रखना है, प्लस इन लोगों को ना ही हम लोगों को इन लोगों को मतलब जो भी है, जैसे कि वाइल्ड में जो चीज मिलता है वो चीज इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा हम लोग को प्रोवाइड करना है। तो ये थी दो टिप्स। और जो तीसरी टिप्स हो गई, ये हो गया कि कभी भी जैसे कि हम लोग जैसे कि पेरेंट्स जब होते हैं, जब इन लोगों का ब्रीडिंग सीजन आता है, जैसे कि इन लोगों का हार्मोनल होता है, तो हार्मोनल में क्या होता है कि जब उन लोगों को नहीं पता होता है, जैसे कि वही करते हैं कि अपने आप को मतलब वो आपको मतलब मेट समझने लगता है। तो जैसे कि बहुत सारे वीडियोस है और इस टॉपिक के ऊपर मेरी दी ने भी वीडियो बनाया, तो आप लोग उनका वीडियो जाके देख सकते हो कि हार्मोनल होता क्या है। हार्मोनल जब होता है तब प्लीज़ आप लोग इनके लिए जाए एक मतलब एक पार्टनर जरूर लाइए, चाहे उसका हार्मोनल हो या चाहे ना हो, कोई सा भी मतलब बर्ड लाइए, बट इन लोगों को लाइए, क्योंकि इन लोग अपना फीलिंग्स उन्हीं के साथ शेयर कर सकते हैं, आपके साथ शेयर नहीं कर सकता है। वो हेल्दी रखने का भी एक वो भी एक कारण होता है, वो भी अनहेल्दी हो जाता है, क्योंकि उसके पास कोई पार्टनर नहीं रहता है तो अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर सकता है, तो वो फिर भी वो अनहेल्दी हो जाता है। तो आप लोगों को हेल्दी रखने के लिए उसके लिए एक पार्टनर भी लाना जरूरी है, चाहे आप लोग रिंगनेक लाओ, अलेक्जेंडर चाहे रिंगनेक लाओ, बट लाओ, मैं यही सजेशन करूंगा। सो आई होप सो गाइस ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और पार्ट टू जल्दी ही आने वाला है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो पे। बाय बाय।